नमस्कार, मैं हूं गिरीश कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम अटैच न्यूज की खास पेशकश क्राइम अपडेट। साउथ दिल्ली पुलिस टीम ने दो महिला समेत कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर चोरी जैसी बड़ी वारदातों को अंजाम देने का आरोप शामिल है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी स्टेशनों पर चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करते थे, जिनके पास से 35 लाख रूपये की ज्वेलरी व 30,000 रूपये नकदी पुलिस द्वारा बरामद की गई है। हाल ही में पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने दो महिला समेत एक पुरुष आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग स्टेशनों पर चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। चोरी के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये तीनों आरोपी बताया जा रहा है कि रिश्ते से भाई बहन हैं। बताया जा रहा है कि ये तीनों आरोपी बच्चों का इस्तेमाल करके चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने इन आरोपियों को न सिर्फ गिरफ्तार किया, बल्कि इनके पास से लाखों की ज्वेलरी समेत करीब करीब 30,000 रुपए की नकदी को भी इनसे बरामद किया है। चोरी के इल्ज़ाम में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम द्वारा गिरफ्तार हुए इन आरोपियों की पहचान गीता उम्र 35 वर्ष, विष्णु उम्र 25 वर्ष, विकास उम्र 20 वर्ष के रूप में की गई है, जो कि भाई बहन बताए जा रहे हैं। क्राइम अटैच न्यूज़ के लिए सूरज कुमार पैरवा की एक खास रिपोर्ट। ये मामला है, ये गिरोह है जो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे सुबह सुबह के टाइम 3 बजे से 5 बजे के भीतर जो से इंतज़ार कर रही होती हैं अपनी सवारी का, ऐसे लोगों को बातों में उलझा के या फिर छोटे बच्चों को उनके आसपास भेज के जब वो छोटे बच्चे की तरफ ध्यान लगा लें तो ऐसे जब ध्यान बटा होता है उस टाइम पे उनके बैग्स उठा के गायब हो जाते हैं। ऐसे में ही एक कंप्लेंट 17 जनवरी के दिन सुबह 5 बजे के लगभग एक फैमिली थी जो बीकानेर की रहने वाला परिवार है, वो यहाँ अपने रिश्तेदार की शादी में आए हुए थे। उन्होंने एक कंप्लेंट लिखवाई जिसमें मामला ये पाया गया कि उनका बैग इसी तरह किसी ने उनका ध्यान भटका के गायब कर दिया। उस बैग में उनके ज्वेलरी थी, जो पारिवारिक उनके आभूषण थे वो थे, और 50,000 रुपये नकद था। तो वो बैग की ही तलाश जारी थी। ह्यूमन इंटेलिजेंस से ये केस क्रैक करने में मदद मिली है साउथ दिल्ली के स्पेशल स्टाफ को। ये परिवार जो है भाई बहनों का ही है, इसमें 2 बहनें और 1 भाई हैं, और इनकी प्रीवियस भी एक इन्वॉल्वमेंट है। सन 2013 या 15 का एक मुकदमा इन पर मिला है। बाकी दिल्ली के बाहर के मुकदमों की छानबीन अभी जारी है।